प्रोटिस्टा जगत। अब जैसा कि अपने को पता है मोनेरा की अपन ने बात की थी, ठीक है, मोनेरा की अपन ने बात की थी, और मोनेरा में अपन ने एक कोशी के प्रोकैरियोट्स, असीम केंद्र के जिसे अपन बोलते हैं, उसे अपन ने रखा था, प्रोकैरियोट्स को रखा था, ठीक है। लेकिन प्रोटिस्टा की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें भी एक कोशिकीय हुआ। प्रोकैरियोट्स की जो अपन ने बात की थी मोनेरा में, वो क्या था, यूनिसेल्यूलर, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय। सेम ऐसा ही प्रोटिस्टा की अगर आप बात करोगे, मोनेरा में यूनिसेल्यूलर था, प्रोटिस्टा की अगर आप बात करोगे तो उसमें भी यूनिसेल्यूलर होगा, ठीक है, इसमें भी यूनिसेल्यूलर होगा, लेकिन वो किस टाइप से होगा, वो होगा यूकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स का मतलब होता है ससीम केंद्री, ससीम केंद्र की, ठीक है, ससीम, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस अपने को देखने को मिलेगा। तो जितने भी एक कोशी के यूकैरियोट्स है उसे अपन ने रखा किसके अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर अपन ने उसे रखा है, क्लियर, उसे अपन ने रखा है प्रोटिस्टा के अंदर। सो अब स्टार्ट अपन करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। सभी एक कोशिक यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है पहला ही स्टेटमेंट जो है, सभी एक कोशिक यूकैरियोट्स को किसमें रखा गया, प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरीके से निर्धारित नहीं हो पाएगी, ठीक है, आएगा आपका एग्जांपल तो समझ में आएगा कि किस तरीके से इसकी सीमाएं ठीक तरीके से निर्धारित नहीं है। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। मतलब इसके अंदर क्या हुआ, क्लोरोफिल, हरित लवक की अपन बात करें, या पिगमेंट्स जिसे अपन बोलते हैं, सिंपल सा वर्णक जिसे अपन बोलते हैं, पिगमेंट्स इसमें देखने को मिलेंगे, इसीलिए ये क्या है, प्रकाश संश्लेषी है। तो हो सकता है कि एक जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो उस वर्णक की उपस्थिति के आधार पर उसे पादप में रख दे, क्लासिफाइड करते, वर्गीकृत करते, लेकिन हो सकता है दूसरा जो साइंटिस्ट है वो इसकी कुछ दूसरी प्रॉपर्टी की वजह से इसे प्रोटिस्टा में रख दे, और प्रोटिस्टा में कौन सा होगा, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा होगा, स्वपोषी प्रोटिस्टा से अपन बोल सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, ठीक है। तो ये अपने पास सिंपल सा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है, एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो एक प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, अवपंक अवंक एवं प्रोटोजोआ, सभी को इस पुस्तक में अपन प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। तो पांच टाइप अपन इसके अपन देखेंगे, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, अवपंक अवंक, प्रोटोजोआ, ठीक है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं, बिल्कुल, मोस्टली जो इसके मोस्ट ऑफ जो मेंबर्स, अधिकांश जो मेंबर है वो किसमें मिलेंगे, जल में मिलेंगे। यूकैरियोट होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं, जो सबसे पहले स्टेटमेंट में ही मैंने आपको बताया था ससीम केंद्रक की का मीनिंग, आई बात समझ में, सो सुसंगठित केंद्रक होगा और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग होंगे। प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें अपन तो उसमें झिल्लीबद्ध जो कोशिकांग है वो नहीं होते, ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स की अपन बात करें तो उसमें झिल्ली आबद्ध होगा। केंद्रक की आप बात करो, माइटोकॉन्ड्रिया की अपन बात करें, या जो वर्णक की अपन बात करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे जो ऐसे अंगक है जिसके चारों तरफ झिल्ली होगी वो है यूकैरियोट्स, और जिसमें नहीं है वो क्या है, प्रोकैरियोट्स, क्लियर। कुछ प्रोटिस्टा में कशाब एवं पक्षमाप भी पाए जाते हैं जो इसकी गति की में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, कशाब एवं पक्षमाप, लास्ट लेसन में भी अपन ने मोनेरा में देखा था। ये अलैंगिक या तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज जायगोट बनने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं, अलैंगिक जनन कर सकते हैं, कोशिका संलयन से कर सकते हैं, या युग्मनज जायगोट बनने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन भी कर सकते हैं। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तीनों टाइप्स हो सकता है, अलैंगिक हो सकता है, लैंगिक यहाँ से हो सकता है, और कोशिका संलयन से भी यहाँ से हो सकता है। सो फर्स्ट टाइप की अपन बात करें वो है क्राइसोफाइट, कौन सा, क्राइसोफाइट की अगर अपन बात करें तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग देखोगे 10 साल के, तो 10 में से आपको 6 या 7 बार यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांसेस है, तो इंपोर्टेंट हो जाता है टॉपिक। क्राइसोफाइट की अपन बात करें, इस समूह के अंतर्गत डाई एटम तथा सुनहरे शैवाल जिसे अपन बोलते हैं डेस्मिड आते हैं, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ही इंपोर्टेंट है, डाई एटम तथा सुनहरे शैवाल इसके अंदर आते हैं। नाम है थोड़ा सा ध्यान रखना, सुनहरा मतलब चमकने वाला एक टाइप से, ठीक है ना, चमकीला जो होता है उसे अपन बोलते हैं, जो मन को भाता है। यह स्वच्छ जल एवं लवणीय जल पर्यावरण दोनों में मिलते हैं, क्योंकि अभी अपन ने बात की थी कि मोस्ट ऑफ जो प्रोटिस्टा वो किसमें मिलते हैं, वो मिलते हैं जलीय एनवायरमेंट में, जलीय जो सिस्टम उसमें मिलते हैं। तो जल स्वच्छ जलीय भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, और मरीन वाटर भी यहाँ से हो सकता है, जो लवणीय जल की अपन बात करें, समुद्री जल की अपन बात करें। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, एक कोशिकीय तो बहुत छोटे होंगे, तथा जलधारा के साथ निश्चित रूप में बहते हैं। जो भी जलधारा होती है, जो भी फ्लो होता है वाटर का, जैसा अपन ने बात कर लिया ऊपर से नीचे की ओर पानी बह रहा है साहब, तो इसी जो डायरेक्शन उसी के साथ में क्या होंगे, प्रोटिस्टा या क्रायोफाइट्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्लियर।
नेक्स्ट डाई आइटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अति छादित कवच बनाती है। साबुनदानी किस टाइप से होती है? इस होती है, इस तरह से साबुनदानी होती है, ठीक है। इसमें नीचे की ओर छोटे छोटे होल होते हैं, जैसे साबुन रखने के बाद जो पानी है वो निकल जाए, और ऊपर की ओर क्या होता है, ढक्कन होता है, और बीच में साबुन होती है अपने पास। तो साबुनदानी की तरह इसमें क्या होता है, ढक्कन यहाँ से देखने को अपने को मिलते हैं इसकी संरचना में। आई बात समझ, दो अति छादित कवच बनाती है, ठीक है। तो कवच एक तरह से इसकी कवरिंग है, बीच में अगर ये जो आपको पार्ट बताया जा रहा है, तो इसके साथ दोनों तरफ जो है चारों तरफ क्या क्या है, साबुनदानी की कवरिंग अपने को देखने को मिल जाएगी। इन भित्तियों में सिलिका होती है, जो भित्तियां वगैरह बताई जाती है इसमें सिलिका होती है, जिससे एक टाइप से मिट्टी ही अपन बोलते हैं, ठीक है। सिलिका इसके अंदर देखने को मिलेगा, जिस कारण ये नष्ट नहीं होता। तो इसीलिए ये जो सिलिका इस होने की वजह से इसका जो नष्ट होने का जो टाइम पीरियड है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, कम समय में नहीं हो पाता या होती ही नहीं है। इस प्रकार मृत डायटम अपने परिवेश या वास स्थान में कोशिका भित्ति का अवशेष बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। तो ये जो भित्ति है वो तो नष्ट हुई नहीं, लेकिन जो जीव है वो तो मरेगा ही मरेगा। जीवित जीव जो है कोई भी अमर तो है नहीं, इसकी डेथ यहाँ से होगी। सब जब डेथ यहाँ पर होगी तो यहाँ जो मृत डायटम है इसकी कोशिका भित्ति जो बताई जा रही है वो क्या होगी, इस जलीय आवास में ही रह जाएगी। क्योंकि अपन ने क्या बात की थी कि जो इसका आवास है वो जलीय है, या तो स्वच्छ जलीय है या क्या है, लवणीय जल है। तो ये जो है जैसे सपोज कर लो ये जल बताया जा रहा है अपने को, ठीक है, तो इसी में क्या हो जाएगा, ये जो कोशिका भित्ति है वो यहाँ से इस वास में ही रह जाएगी, इस आवास में, इस जल में ही रह जाएगी। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डायटमी मृदा कहते हैं। तो काफी समय बाद में यहाँ पर क्या होगी, ये जो मिट्टी है इस कोशिका भित्ति वाली मिट्टी यहाँ से जम जाएगी, और इस प्रकार की मिट्टी को अपन बोलते हैं डायटमी मृदा, ठीक है। क्या बोलते हैं, डायटमी मृदा। कण में होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्संदन में छानने में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक है, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है। समुद्र के मुख्य उत्पादक जो है प्रोटिस्टा है, लेकिन उस प्रोटिस्टा में कौन सा ऐसा टाइप है जो समुद्र में मुख्य उत्पादक है, तो वो अपने पास कौन सा है, वो है क्राइसोफाइट्स। अब लिखा नेक्स्ट डायनोफ्लेजिलेट्स। क्या लिखा, डायनोफ्लेजिलेट। अगर इसी टर्म को आप लोग देखोगे, डायनोफ्लेजिलेट, ठीक है, इंग्लिश में अपन इस टाइप से इसे लिखते हैं डायनोफ्लेजिलेट। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो डाई लिखा है, और डाई का मतलब क्या होता है, टू, दो होता है, ठीक है, डायनो, ठीक है, और फ्लेजिला अपने पास लिखा है, ये फ्लेजिला अपने पास लिखा है, ठीक है। तो फ्लेजिला की जो अपन बात करते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब फ्लेजिला को अपन हिंदी में बोलते हैं कशाब, जो इसकी गति के लिए रेस्पॉन्सिबल है, गति में हेल्प करता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव, प्रोटिस्टा का ऐसा एग्जाम्पल जिसमें दो फ्लेजिला होते हैं, दो फ्लेजिला या दो कशाब होते हैं, उसे अपन बोलते हैं द्विकशाबीय या डायनो फ्लेजिलेट्स, ठीक है। इसी से मीनिंग अपने को पता चल जाएगा। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री है, प्रकाश संश्लेषीय, मतलब इसमें क्या होगा, पिगमेंट यहाँ पर होगा, बिल्कुल सीधी सीधी बात है, पिगमेंट इसके अंदर देखने को मिलेगा। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पर पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल रंग दिखाई देते हैं। तो रंग आपको ध्यान में रखना है, टोटल 5 कलर लिखे अपने पास, ठीक है, लाल, नीला, भूरा, हरा और पीला, इस टाइप के ये देखने को मिल सकते हैं। डिपेंड करेगा इसमें जो पिगमेंट है, वर्णक है, उसकी उपस्थिति पर। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है ये कोशिका भित्ति। अधिकतर डायनोफ्लेजिलेट्स में दो कशाब होते हैं, जो मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा था, इसका जो टर्म है उसी से दो कशाब होते हैं, इसीलिए डायनोफ्लेजिलेट्स बोलते हैं, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ होता है, ठीक है। एक तो लंबवत इस टाइप से हो जाएगा, दूसरा अनुप्रस्थ इस टाइप से हो जाएगा। स्ट्रक्चर में अपन यहाँ पर बता नहीं सकते, तो आपको सिंपल से ध्यान में रखना, लंबवत और अनुप्रस्थ हो जाएगा, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होता है, ठीक है। अगर आप इसे देखते हो यहाँ से इसको, तो यहाँ ये खांच अपने को दिख रही है, तो एक तो ये अपने को बताया जा रहा है, ठीक है, इस टाइप से अपने को यहाँ से बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये इस जो फ्लेजिला वो यहाँ पर है, दूसरा अपने को यहाँ बता नहीं सकते, वैसे यहाँ से निकलता है, तो वो इसको आपको ध्यान में रखना, जो खांच है यहाँ से बीच में देख रहे हो, स्पेस आप देख रहे हो यहाँ से, तो इस स्पेस से ही अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस स्पेस पे। प्राय लाल डायनोफ्लेजिलेट्स की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल या लाल तरंगे दिखने लगता है। मोस्टली जो लाल कलर का होता है उसका विस्फोट हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन होता है, रैपिड मल्टीप्लीकेशन। रैपिड का मतलब बहुत तेज रफ्तार से मल्टीप्लीकेशन हो रहा, मतलब इसकी संख्या वहां से बढ़ रही है। सपोज कर लो कि एक टाइम पे अपने पास क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, एक टाइम पे अपने पास समुद्र था, इसमें 10 ही डायनोफ्लेजिलेट्स थे लाल कलर के, लेकिन कुछ समय बाद में अचानक से इसका जो फेवरेबल कंडीशन आई वगैरह वगैरह जो भी हुआ, तो यहाँ से हो गए 10,000, ठीक है। तो ये जो पानी बताया जा रहा है समुद्र का, वो कैसा हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा लाल, इसे अपन बोलते हैं रेड टाइड। क्या बोलते हैं, रेड टाइड। जैसे इसकी संख्या बढ़ेगी तो ये होता है टॉक्सिक,
ये विषैला होता है नेचर में, इसकी प्रकृति किस टाइप से होती है, विषैली प्रकृति होती है, और ये जो विषैला हवा था इसमें जो समुद्री जलीय जीव है उसकी मृत्यु यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, तो जो जलीय जीव है इसकी संख्या जब बढ़ेगी तो विष बढ़ेगा, और विष बढ़ेगा तो जलीय जीवों की मृत्यु यहाँ से अपने को देखने को मिलेगी। तो प्राय लाल डायनोफ्लेजिलेट्स की संख्या में विस्फोट होता है जिससे समुद्र का जल लाल लाल तरंगे दिखने लगता है, रेड टाइड इसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में, आप लोग लिख लेना भाई साहब। ठीक है, जो टॉक्सिक है, इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष, विष निकलेगा के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जल जीव मर जाते हैं। उदाहरण है गोनिया लेक्स, कौन सा लेक्स, गोनिया लेक्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसके अंदर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपने पास आता है यूग्लिनॉइड्स, तीसरा जो टाइप है वो है यूग्लिनॉइड्स। अब यहाँ अपन ने बात की थी मुख्यतः क्या होता है, समुद्री होता है। ठीक है, इससे पहले जो अपन ने बात की थी यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये स्वच्छ जलीय भी था, याद रखने की ट्रिक है भाई लोग, ठीक है लिख लेना, स्वच्छ जलीय भी था और लवणीय भी था, पहला जो था वो दोनों प्रकार का था। उसके बाद में डायनोफ्लेजिलेट्स में मुख्यतः समुद्री था। ठीक है, और अब जो अपन पढ़ रहे हैं अधिकांश से क्या है, स्वच्छ जलीय है यूग्लिनॉइड्स। आई बात समझ में, तो पहला वाला दोनों टाइप के जल में मिल सकता है, दूसरा वाला समुद्री में मिलेगा, और तीसरा वाला स्वच्छ जल में मिलने वाला जीवधारी है जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। ठीक है, इससे पहले अपन ने बात की थी कि आपके पास जो जीव था वो क्या होता है, जो जो वाटर फ्लो होता है, जो जल की धारा होती है उसी के साथ में क्या होता है, बहते रहते हैं। ठीक है, बहते रहते हैं। तो यहाँ जो अपन ने बात कर रहे हैं, यहाँ ये क्या है, स्थिर जल में, यहाँ क्या बताया जा रहा है, स्थिर जल में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो अपन ने देखा था कि मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, इस जल धारा के साथ में क्या होते हैं, बहते रहते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लेना इसे। ठीक है कि साहब जो कोशिका भित्ति होती है वो इसमें प्रोटीन की बनी होती है और उसे अपन बोलते हैं पेलिकल। पहले वाला जो था क्रायसोफाइट्स की अपन बात करें उसमें सिलिका की बनी थी कोशिका भित्ति, देन उसके बाद में डाइनोफ्लेजिलेट्स की अपन बात करें तो सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं थी, और अब अपन बात करें तो प्रोटीन की यहाँ पर कवरिंग है सेल वॉल है जिसे अपन बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं, पेलिकल। इनकी जो इनकी संरचना को लचीला बनाता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ठीक है बिल्कुल रबड़ जैसा होता है। इनमें दो कशाब होते हैं जिनमें एक छोटा और दूसरा लंबा होता है। यहां से अपन देखेंगे तो इसमें डायग्राम में एक लंबा हद दिख रहा है क्लियर कट। ठीक है, यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह प्रकाश संश्लेषी होता है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है कि लाइट जो है, सनलाइट है, सूर्य की प्रकाश अगर वहां पर अवेलेबल है तब तो वो क्या होंगे, वो होंगे प्रकाश संश्लेषी, लेकिन अगर अपन बात करें प्रकाश वहां से एब्सेंट है तो वो क्या होंगे, ए प्रकाश संश्लेषी। ठीक है, परपोषी के जैसे एक्ट करेंगे, यहाँ पर प्रकाश है तो वो स्वपोषी है क्योंकि फोटो प्रकाश संश्लेषण करेगा, खुद का वजन खुद बना सकता है, लेकिन प्रकाश नहीं है तो वो दूसरों पर निर्भर करेगा और उसे अपन बोलते हैं परपोषी। आगे बात समझ में, यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी होते हैं लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनॉइड्स में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। वर्णक तो है ही, तभी प्रकाश संश्लेषण कर रहा है यहाँ पर। उदाहरण है यूग्लिना, तो यूग्लिनॉइड्स यूग्लिना आप इजीली एग्जांपल याद रख सकते हैं। ठीक है, अवपंक कवक जो अपने पास लिखा है, अवपंक कवक फोर्थ टाइप की अपन बात करें, अवपंक कवक मृत पोषी प्रतिष्ठा है, मतलब जो मृत जीव है उससे पोषण प्राप्त करने वाला, मृत जीव से पोषण प्राप्त करने वाला जो है वो क्या है, मृत पोषी प्रोटिस्टा। ये सड़ती हुई टहनियों, क्योंकि टहनी भी पादप का ही एक पार्ट है, तो पादप क्या जीव है, जीवित जीव तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह बना लेते हैं, प्लाज्मोडियम बना लेते हैं, एग्रीगेशन यहाँ से बना लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से जो कई फीट तक लंबा हो सकता है, बहुत फीट तक लंबा ऐसा हो सकता है, इसकी ऊंचाई काफी होती है, लेकिन ये अनुकूल परिस्थिति की अपन ने बात की है। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियों में जब जाएंगे अपन, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर, अब ये बिखर जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे सारे के सारे, बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। तो ये स्पोरो, हिंदी में बोल देता हूँ, बीजाणु युक्त, यहाँ बीजाणु है इसके अंदर और फलनकाय है, ये बॉडी बना रहे हैं यहाँ से। So, ये जो बीजाणुयुक्त फलनकाय है वायु के साथ में फ्री हो जाता है, वापस से क्या करेंगे, नए जीव में परिवर्तित हो सकते हैं। इन बीजाणुओं का प्रक्षेपण वायु के साथ हो जाता है। तो ये अवपंक कवक जो सील का डायग्राम में, वैसे इसमें ज्यादा कुछ स्पेशलाइज नहीं बता रहा है, बस आपको ध्यान में रखना, ये डायग्राम दे दिया जाए सीधा सीधा बोले किस टाइप का है, तो ये आपको बोल देना अवपंक कवक है।
प्रोटोजोवा, लास्ट है प्रोटोजोवा। सभी प्रोटोजोवा परपोषी होती है, मतलब डिपेंड्स ऑन अदर, दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जो परभक्षी तथा अथवा परजीवी हो सकता है। परजीवी मतलब दूसरों पर निर्भर करेगा, परभक्षी मतलब यहाँ परजीवी का मतलब दूसरों पर निर्भर कर रहा है, परभक्षी का मतलब भी दूसरों पर निर्भर कर रहा है, लेकिन परजीवी में जीवित जीव जो है उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, जीवित जीव के अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, लेकिन उसे मारेगा नहीं। लेकिन पर भक्षी का मतलब भक्षण अपन ने कर लिया, वो जो जीवित जीव था उसकी मृत्यु यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, और वो जो जो प्रोटोजोआ है वो अपना पोषण यहाँ से प्राप्त कर लेगा। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी, प्रोटोजोआ को चार प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है। प्राणियों के पुरातन संबंधी से माना जाता है, सबसे पहला जो है अमीबी है। अमीबा सुना होगा आप लोगों ने, जो आंत में रहता है, ठीक है, परजीवी रहता है एक टाइप से। सो परजीवी या परपोषी अपन ने बात कर ली, पर भक्षी की। ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाया जाता है, अमीबीय प्रोटोजोआ। ये अपने कूट पादों की सहायता से, कूट पादों का मतलब होता है शूडो, शूडो का मतलब फाल्स, असत्य जो पाद है, ठीक है, असत्य पाद की अपन बात करें, कूट पाद मतलब जो इसके अंदर जो पैर है, पैर जैसी संरचना होती है, ठीक है, पैर होते नहीं लेकिन पैर जैसी संरचना होती है, जिसकी लोकोमोशन में गति में हेल्प करेंगे, ठीक है, या एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे इसके, वो है कूट पादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। इनके समुद्री, अच्छा, कूट पादों के दूसरे फंक्शन भी आप लोग लिख लेना, गति में या जो एक्सक्रीशन की अपन बात करें, उत्सर्जन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, तो वो आप लोग लिख लेना, क्योंकि यहाँ केवल लिखा है शिकार को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं, इनमें से कुछ एंटमीबा परजीवी होते हैं, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। अगर पूरा नाम आपको लिखना है तो एंटमीबा लिखा है, इसके आगे लिख लेना हिस्टोलाइटिका, ठीक है, हिस्टोलाइटिका, आई बस लाइटिका, कौन सा टीका, लाइटिका। सेकंड है कशाबी, प्रोटोजोवा का भी सेकंड टाइप है वो कशाबी। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं, इनके शरीर पर कशाब पाए जाते हैं, जैसा कि टर्म से अपने को पता चल रहा है। परजीवी कशाबी प्रोटोजोवा बीमारी का कारण है, जिससे निद्रालु व्याधि, स्लीपिंग सिकनेस जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं, निद्रालु व्याधि, व्याधि का मतलब होता है बीमारी, ठीक है, सिकनेस की जो आप बात कर रहे हो, कमजोरी, यहाँ से निद्रालु, निद्रा का मतलब क्या होता है, सोना, ठीक है, तो यहाँ इंग्लिश में इसे अपन बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, ध्यान से देखेंगे, स्लीपिंग सिकनेस इसे अपन बोलते हैं, ठीक है। अगर इस टाइप से इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो जो मनुष्य है या जिस भी जीव में हो रहा, तो वो क्या होता है, काफी टाइम तक, घंटों घंटों तक सोता रहता है। नॉर्मल अपन बोलते हैं कि 6 से 8 घंटे तक सोते हैं अपन, लेकिन हो सकता है कि इस केस में 14 से 16 घंटे या 20 घंटे तक भी सो सकता है, और ज्यादा इसकी अगर टाइम रहा और ज्यादा अगर सोता रहता है, ये जो बंदा होता है ज्यादा टाइम के एक्सपोजर के बाद में ऐसे कोमा में भी जा सकता है। आई बात समझ में? सो इससे जो कशाबी प्रोटोजोआ निद्राली व्याधि होती है, एग्जाम्पल है ट्रिपनोजोमा, कौन सा, ट्रिपनोजोमा। तीसरा है पक्षमाभी, ये कशाबी हो गया, पक्षमाभी प्रोटोजोआ की अपन बात करें, ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं, ठीक है। सीलिया फ्लेजिला आप लोगों ने सुना होगा, इसे अपन सेल वाले चैप्टर में डिटेल से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी केवल आपको टर्म से ध्यान में रखना सीलिया फ्लेजिला। इनमें एक गुहा होती है ग्रसिका, जो कोशिका की सतह पर बाहर की ओर खुलती है, इस टाइप से अगर ये कोशिका की अगर अपन बात करें, ठीक है, ये कोशिका अपने पास है, तो इस टाइप से एक गुहा होती है यहाँ पर, ठीक है, जो बाहर की ओर ओपन हो रही है, क्लियर। पक्षमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन ग्लैंड की तरफ भेज जाता है बाहर की ओर, इसके पक्षमाभ होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे पक्षमाभ जो होते हैं, इनकी जो गति होती है उसकी वजह से जो भी फूड वगैरह है वो यहाँ से अंदर जा सकता है, ठीक है, इजीली। उदाहरण है पैरामीशियम, जैसे फिगर में अपने को यहाँ पर बता रखा है, दे फिगर आप लोग देखोगे तो पैरामीशियम है, ये छोटे छोटे अपने को यहाँ से बता रखे, ठीक है। लास्ट है स्पोरोजोआ, इस समूह में वह विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्थाएं पाई जाती है। स्पोरोजोआ, स्पोरो, स्पोर का मतलब क्या होता है, स्पोर का मतलब होता है बीजाणु, स्पोरोजोआ मतलब बीजाणु जैसी अवस्था इसके अंदर देखने को मिलेगी, संक्रमण करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट क्या है कि जो बीजाणु जैसी अवस्था है वो क्या करती है, वो इन्फेक्शन करती है, वो संक्रमण करती है, बीमार करती है किसी ना किसी को। इसमें सबसे कुख्यात या प्रख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति है। प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया होता है, जो कॉमन अपन सुनते हैं आस पड़ोस में, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचने वाला प्रभाव पड़ा है, तो काफी डेथ भी यहाँ से हुई है मलेरिया की वजह से, इसीलिए जनसंख्या उस पर आघात यहाँ से पहुंचा है। तो ये अपने पास हो गया प्रोटोजोआ। उम्मीद मैं करता हूँ जो अपन ने पढ़ाया आज के सेशन में समझ में आया है आपको काफी कुछ, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में अपन मिलेंगे, कवक देखेंगे, फंगस देखेंगे, उसके एग्जाम्पल्स जो है काफी एग्जाम्पल्स है हर एक टॉपिक में, उसमें हर एक टाइप में, तो वो उसको लर्न करने की ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। सो पढ़िए आप लोग, एनसीईआरटी पढ़िए, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए।
थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।